कच्छ युवक संघ द्वारा बोरीवली के प्रबोधन का ठाकरे नाट्यगृह में कच्ची ड्रामा मन मेले अखियु खेले के माध्यम से कच्ची समाज के युवकों को अपनी भाषा और समाज से जोड़ने का अनूठा प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कच्छ युवक संघ के अध्यक्ष भरत भाई गोगरी ने किया था। उनके साथ सेक्रेटरी हिरेन संगोई, समाज सेवक विजय ग्रोसर, डॉक्टर विशन नागड़ा एवं उनके सहयोगियों ने इस नाटक के साथ जुड़कर समाज को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया और इसी लिए यहाँ पर हर साल मुंबई में विभिन्न स्थानों पर इस नाटक के माध्यम से आषाढ़ी बीज के अवसर पर समाज को एक नया संदेश देने का काम किया जाता है। इस अवसर पर ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन, शैक्षणिक, सामाजिक, मेडिकल क्षेत्र में कोविड के दौरान समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों का मंच द्वारा सम्मान किया गया, उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर समाज के लोगों ने आने वाले दिनों में लगभग 10 लाख ऑर्गन डोनेशन कराने का लक्ष्य भी इस मंच से रखा है। आइए हम आपको सुनाते हैं इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने मुंबई वासियों और विशेषकर कच्छ के नागरिकों हेतु क्या संदेश दिया है। हमारा कच्छी लोगों का ग्रुप है, इसमें काफ़ी प्रवृत्ति होती है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, आज अंगदान के बारे में बताया, तो इनके तरफ से नए वर्ष आषाढ़ी बीज को हर साल प्रोग्राम होता है बम्बई में, और उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हमारे भरत भाई हमारे साथ है जो इस संस्था के प्रमुख है और वो इसके बारे में ज्यादा जानकारी। कच्छ युवक संघ जो हमारे यहाँ जो कच्छी ड्रामा था उसमें कच्छी भाषा जो है वो हमारी भाषा हर घरों में बोलनी चाहिए। हम कच्छी भाषा को भूले नहीं, हमारी अगली पीढ़ी कच्छी भाषा को भूले नहीं, और इस कच्छी ड्रामा से हम समाज के अंदर मैसेज जाता है कि इसके अंदर हमारा मैसेज है कि वो मैसेज भी है, साथ में हमारा कच्छियतपण है जो कच्छी भाषा है इसके लिए है कि कच्छी भाषा हर घर में बोलना चाहिए, आज की अगली पीढ़ी भी बोलनी चाहिए, और साथ साथ में हमारे जो समग्र समाज है उसको हम एकत्रित करना चाहते हैं, संगठित करना चाहते हैं। हमारी कच्छुक संगी रक्तदान की प्रवृत्ति चल रही है, जो एंकर वाला रक्तदान अभियान के नाम से हम चलाते हैं उसमें आज अभी तक हम लोग ने 1,96,000 बोतल हमने जमा की है, और उसके साथ हमारा मुंबई, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, पालघर डिस्ट्रिक्ट, पेन, पनवेल, न्यू बॉम्बे, हर जगह पे और हर दिन कहीं से भी फोन आता है हमें तो वहाँ से उनको ब्लड हम लोग उपलब्ध कराते हैं निःशुल्क, बिना एक भी रुपया दिए, बिना 15-30 मिनट्स आधे घंटे में उनको ब्लड मिलना चाहिए, ऐसी हमारी सुविधा की गई है। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, हार्बर, पेन, पनवेल और अलीबाग तक की हमारी ये सुविधा है, और साथ साथ में ऑर्गन डोनेशन का भी हम जो ऑर्गन डोनेशन का अवेयरनेस कराते हैं और उनका फॉर्म भराते हैं और उसको सब समझाते हैं, हमारे कार्यकर्ता उनके साथ फॉर्म भराते हैं कि ऑर्गन का क्या वैल्यू है, तो उसके ऊपर भी हम बहुत ज़ोरदार जुम्मेश चला रहे हैं। कच्छ युवक संघ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे कच्छ के अंदर मुंबई के अंदर हो रहे हैं, तो हमारी सभी 21 शाखाओं के अंदर अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, शैक्षणिक, मेडिकल कैंप वगैरह होते हैं, और कच्छ के अंदर हमारी शिक्षण मंदिर हमारे चलते हैं, स्कूलें चलती है, भूज, बिदड़ा और गढ़शीशा में हमारे स्कूल चलती है, वहाँ पर अपने 2200 विद्यार्थी शिक्षण ले रहे हैं। ऐसा सब कच्छ युवक संघ ये काम सब कर रहा है और कच्छी समाज को संगठित करने का काम हम कर रहे हैं। धन्यवाद। कच्छी समाज के लिए बहुत ही बड़ा दिन है आज का दिन, जिसको हम कच्छी नया साल कहते हैं, और कच्छ युवक संघ जो आज ये पूरा नाट्योत्सव, और दिन तो एक ही होता है नए साल का, लेकिन कच्ची समाज के लिए और कच्छ युवक संघ की टोटल नाट्य प्रवृत्ति के लिए ऐसा कहेंगे कि एक दिन नहीं, एक सप्ताह या 15 दिन तक ये फेस्टिवल चलता रहेगा। भाषा की सेवा की बात है
कच्छ की भूमि के लिए, कच्छ की शिक्षा के लिए, और ख़ास करके अभी जो हमारे प्रमुख जी ने जो बताया आपको कि समाज में रक्तदान से लेकर अंगदान तक की जो जागृति लानी है, मुझे ऐसे लगता है कि नाट्य के माध्यम से एक ही पूरा ये जो नाट्योत्सव है इसमें करीब करीब 25-30 हज़ार लोग और साल भर में कम से कम 60-70 हज़ार लोग इस ज्ञान को, इस जिसको उत्थान है और ये पूरा अभियान जो चल रहा है उसको सुनेंगे, समझेंगे और इसमें जुड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, इस संस्था के जैसे माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि ये संस्था सारे कच्छ की सबकी संस्था है। समाज में तो क्या है कि हम लोग एक प्रवृत्तियाँ करते हैं, इसका कारण एक ही होता हमारा कि इसका फैलावा होवे कच्छ का और कार्यकर्ता निर्माण होवे, और कार्यकर्ता निर्माण की दृष्टि से ही हम लोग हरेक कार्यक्रम करते हैं और समाज के हर एक तबके अलग अलग तबके की तरह पहुँचते हैं। और ये कार्यक्रम एक ऐसा माध्यम है हमारा, इधर से हमारा स्टेज पे से अनाउंसमेंट होती है सब हर एक चीज़ों की, और ये जो नाटक का माध्यम जो है इसमें हम लोग एक उद्देश्य बार देते हैं कि कच्छ का कैसे भला हो, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आवे इसके हिसाब से, प्लस हमारी समाज की जो प्रवृत्तियाँ होती है वो भी इस स्टेज से जाहिर होती है। और एक मेड़ावा हम जो बोलते हैं तो आज हज़ार आदमी लोग एक साथ में एक दूसरे को मिलते हैं और ये कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और एक दूसरे का मज़ा लेते हैं। और ये 12 महीने में एक बार कार्यक्रम होता है, लेकिन कम से कम इसके 60-70 शो होंगे और कच्छ तलक अलग 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 ठिकाने पर हम लोग पहुँचेंगे। एक साल पूरा चलता है ये प्रवृत्ति। धन्यवाद।